Hello dear students, today we have moved in a new videos and in this videos we will learn new topic with new ideas and new concepts. Hi, my name is Eras. How are you? Mera naam Eras hai. Kaise hai aap sir? I hope ki acche honge, khush honge. And now just cool down and listen to me. Your topic and the name of that topic is the effects of force. Effects of force. If someone may ask you what is the effects of force, then what will you say? Can you tell me what a force can do? Okay, fine. प्रश्न ये है डियर कि कोई आपसे पूछता है कि फोर्स का क्या प्रभाव है, यानी कि फोर्स कर क्या सकता है, उसका प्रभाव क्या है, तो क्या बताओ? यूजेस के बारे में जानते हो, बट फोर्स क्या कर सकता है, क्या बता सकते हो क्या? देखो सही बात है, आपके मन में कुछ ख्याल आ रहा है कि मोशन ला सकता है, बट नाउ लिसन टू मी, मैं आपको इसे सिखाता हूं, ठीक है ना? तो लिखूंगा कि फ्लोइंग आर the effects of force, यानी कि फोर्स का कुछ निम्नलिखित प्रभाव हो सकता है जो मैं that I wants to share with you. But if someone may ask कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, इसका डिफिनेशन बताओ, तो तुम उससे कहना कि वट एवर द एक्शन that can be taken by using force, then this is the effects of force. यानी कि force का इस्तेमाल करके क्या हम कर सकते हैं, वही हमारा effects of force कहलाता है. समझ गया ना? तो क्या है, तो मैं बता रहा हूं. तो सबसे पहला effects हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से है. Do you want to know what is the first effect of force? Okay, let us see. तो तुम उससे कह देना कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी और रेस्ट ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है भाई? तो पहला इफेक्ट ये हुआ कि फोर्स जो है वो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम है? नहीं. अब कोई लड़का सोच रहा होगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हुआ सर? तो उसी लड़के के लिए मैंने यहां पर लिखा है, फॉर दैट बॉय आई हैव रिटन हियर रेस्ट ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ए बॉडी इज नॉट मूविंग. कोई भी बॉडीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक स्थान पर ऐसे रुका हुआ है जैसे वैसे ही, तो उसको उसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसका अर्थ हुआ कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जस्ट लाइक ए स्टैचू. इसे कैसे कहते हो, स्टैचू? तो इसी प्रकार से कुछ. समझ गया ना? व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स. एंड नाउ वी विल कवर द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स. A force can stop. A force can stop. Stop moving object. That means whatever be the object is in motion, then if we apply a force to an object which is in already in motion, then that object can be brings into the rest. Samajh gaya na ki koi bhi object wo ruka hua hai to humne usme motion la diya. Ya fir dusra effect ye bata raha hu ki koi bhi object moving mein hai to usko hum rokte hain
तो वो रेस्ट में हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये पेन है, ये मोशन में है, फोर्स अप्लाई किया रुक गया, ठीक है। ये रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन में हो गया, फोर्स अप्लाई किया मोशन में हो गया, ये मोशन में है, फोर्स अप्लाई किया रेस्ट में हो गया। तो इस प्रकार से फोर्स जो है वो किसी भी चीज को रोक सकता है और किसी भी चीज को मोशन भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है। आई होप कि आप समझे होंगे। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। डू यू वांट्स टू नो व्हाट इज द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स? ओके, आई विल टीच यू। तो तुम मुझसे कह देना कि ए फोर्स कैन कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि भैया फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कर सकता है। लेकिन इसमें ख्याल देने वाली बात यह है कि कोई लड़का ये पॉइंट को इस प्रकार से लिख सकता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, गलती कोई नहीं बोले। लेकिन यहां पे एक लाइन आप जोड़ सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा कि ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स चेंज कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड को, ठीक है। या फिर मैंने यूं ही लिख दिया कि फोर्स जो है वो चेंज करता है स्पीड को कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या दिक्कत है? हम अभी रुके हुए हैं, मेरा स्पीड 0 किलोमीटर, कुछ भी कह दो, 0 स्पीड है मेरा। तो ढकेल दिया तो कुछ स्पीड हो, यानी कि मेरा स्पीड तो चेंज हो गया ना, 0 स्पीड है मतलब कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्पीड दे देगा तो वही तो स्पीड मेरा चेंज हो गया। इसीलिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गया ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है वो स्कूल जा रहा है और रास्ते में कोई लड़का खड़ा है, अब देखा कि मेरा दोस्त साइकिल से जा रहा है, अब क्या करते हैं कि चलो बैठने के लिए हम देते हैं, बट वो नहीं रोकता। हम लोग क्या करते हैं, उसको फोर्स लगा करके पीछे से ऐसे खींचने लगते हैं, तो देखता है उसका जो स्पीड है वो घट जाता है, या फिर गुस्सा में क्या करे किए कि वो जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है बैठा करके, तो और उसको धक्का दे दिया और इस प्रकार से वो और दूर चला गया। या फिर जब भी आप उतरते हैं पीछे से, इस प्रकार से साइकिल को धक्का दे करके उतरते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से स्पीड चेंज हो गया। तो जब तुमने उस लड़के को साइकिल चला रहा है तो उसको आपने धक्का दिया तो उसका स्पीड और बढ़ गया, लेकिन अब जब पीछे से खींचने लगे उसका धीरे धीरे स्पीड डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से फोर्स ने क्या किया, स्पीड को बदल के रख दिया है, समझ गया ना। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स, चौथा क्या हो सकता है? तो तुम मुझसे कह देना कि देखो जी, ए फोर्स कैन कैन चेंज कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि वो मोशन में है, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसका डायरेक्शन को बदल सकता है। अब कोई लड़का इस पॉइंट में कंफ्यूजन कर रहा है समझने में, तो कंफ्यूजन क्या करना, मैं हूं ना। देखिए सपोज दैट कि आप बैट पकड़े हुए, चलो पकड़ लो बैट, इस प्रकार से पकड़ लिया, और मैं क्या करता हूँ कि इस साइड से बॉलिंग करता हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, मैं इस साइड से बॉलिंग करूंगा तो आप उस साइड से बैट को घुमा करके ये दे मारेगा चौका छक्का कुछ इस प्रकार से। तो मैंने बॉल फेंका आपकी तरफ और आपने छक्का मारा, इस तरह कैच आउट हो गए, ये नहीं आओ। तो बॉल मैं फेंकूंगा तो आप बैट से उधर मारिएगा, तो बॉल तो था मोशन में और आपने मारा डायरेक्शन इधर हो गया, मैं फेंक रहा था इधर, तो समझ गया ना, इस तरीके से डायरेक्शन को बदल देगा। तो फोर्स लगाया बैट से तभी ना ऐसा हो पाया, तो डायरेक्शन को भी चेंज करता है।
चलिए नेक्स्ट जो बता रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और खास भी है। वो ये है कि ए फोर्स कैन चेंज दिस शेप एंड शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ यह हुआ स्टूडेंट कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को और साइज को बदल करके रख देगा। बट कोई लड़का को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि शेप क्या हुआ और साइज क्या हुआ। शेप का मतलब हुआ, शेप का अर्थ है आकार, ठीक है। जैसे मैं इस प्रकार से खड़ा हूं तो ये मेरा एक अपना आकार हुआ, इस प्रकार से जिसको पोज बोलते हो, चाहे पोस्चर का ही, जैसे पोज देते हो सेल्फी लेने के लिए किसी प्रकार से, तो उसी के जैसा वही हमारा शेप है कि कैसा आकार है। अभी मेरा ये आकार है। और साइज क्या हुआ, तो मैं कितना चौड़ा हूं, मैं कितना एरिया को कवर करता हूँ, मेरा लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब साइज हो जाएगा, समझ गया ना। और शेप क्या हुआ, तो आकार, मैं किस आकार का हूं, समझ गया। तो शेप और साइज को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लूं, चलिए जैसे देख लीजिए मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है, दो पेन। अभी इस दोनों पेन का जो साइज है, ठीक है, वो तुम देख पा रहे हो और उसका आकार भी देख पा रहे हो। और आप देखो इस दोनों पेन को कुछ इस प्रकार से, सपोज दैट मैंने जोड़ दिया, तो आप देखिए इसका शेप देखिए और साइज देखिए। इसका साइज जो है वो यहां से यहां तक होगा लंबाई में, और इसका आकार भी तुम देख सकते हो कि बड़ा हो चुका है। तो इस प्रकार से होता है चीजें, समझ ना। चलिए अच्छी बात है। टाई के साथ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी इसका शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, लेकिन मैंने इसको फोल्ड किया तो इस प्रकार से गोल हो गया, समझ गया। तो शेप साइज को फोर्स ने बदला क्योंकि फोर्स लगाया हूं। तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। चलिए अच्छी बात है। आप इसे नोट करना चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हो। चलो लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा दूं तो ठीक है। बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड देन लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।